अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक ठाक? अच्छे। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन डिफाइन होते हैं बेटा द टाइप ऑफ मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे बेटा, इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट हो। हम जानते हैं वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वो सर्कुलर मोशन जिसमें बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो यानी रिमेन्स कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली। और हम पढ़ भी चुके हैं बेटा कि सर्कुलर मोशन में कभी भी हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती। किस सेंस में कांस्टेंट नहीं हो सकती? डायरेक्शन के लिहाज से कांस्टेंट नहीं हो सकती और मैग्नीट्यूड के लिहाज से कांस्टेंट हो सकती। और हम पढ़ भी चुके हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड, यानी सर्कुलर मोशन में बॉडी का स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है बेटा जिसमें हमने लिया है बेटा एक पार्टिकल जिसका मास है एम। इस सर्कुलर पाथ का हमारे पास रेडियस है आर। कंसिडर ए बॉडी मूविंग इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करिए बेटा। तो हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी हमारे पास, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी बेटा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी बेटा, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। तो हर पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज होगी हमारे पास तो बाय डिफिनेशन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वी डिफाइन चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास वेलोसिटी जब चेंज होगी तो इधर हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बेटा। तो और वो एक्सेलरेशन जो कि हमारे पास सर्कुलर मोशन में प्रोड्यूस हो बेटा, उससे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस होती है बेटा? कि जब सर्कुलर पाथ में हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे और इसकी डायरेक्शन जो हो बेटा चेंजेस, उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट डायरेक्शन चेंज, दोनों चेंज हो बेटा, तो तीनों केसेस में हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी? कि जब इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो और इसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो। तो जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो होती है बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी से चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप नाइन्थ में पढ़ चुके हो बेटा, इधर दोबारा रिपीटेशन है कि द एक्सेलरेशन which exists in a circular motion directed towards the center of circle and is produced due to change in the direction of velocity. ये बेटा कि वो acceleration which exists in a circular motion, वो acceleration जो कि circular motion में पाई जाती है directed towards the center, यानी centripetal acceleration की direction जो है बेटा it will be towards the सेंटर, यानी वो एक्सेलरेशन जो कि सर्कुलर पाथ में पाई जाए बेटा और उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर हो। और वो किस वजह से प्रोड्यूस हो? सेंटर ऑफ सर्कल एंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी हो सकता है कि हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन सर्कुलर पाथ में चूंकि हमारे पास डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है बेटा, यानी पॉइंट वन, पॉइंट टू,
0.3 और 0.4 इसकी एग्जांपल है हमारे पास कि चारों पॉइंट्स पर हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है और लीनियर वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्यों टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं? क्योंकि इसमें हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू दैट पॉइंट, यानी पॉइंट वन पर हम टेंजेंट ड्रा करें तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट वन, इधर टेंजेंट ड्रा करें तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट टू, इधर टेंजेंट ड्रा करें तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट थ्री, और इधर पॉइंट इधर टेंजेंट ड्रा करें बेटा तो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट फोर। तो इसी वजह से इसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं बेटा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास मैथमेटिकली बराबर होती है बेटा माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर इनटू आर यूनिट वेक्टर, और इसे हम आगे जाके प्रूफ भी करेंगे, डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। तो ये तो था हमारे पास कि किसे कहते हैं सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं बेटा। अब गौर से देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ व्हेन अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन एंड अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। अब सर्कुलर पाथ में जब मोशन की बात आती है तो इधर हमारे पास एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो बेटा आपने याद रखनी बेटा, अगर एक बॉडी मूव कर रही है बेटा और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन इस केस में बेटा बॉडी को देखो कब, तो हर पॉइंट पर बॉडी जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, इट्स मीन देयर एग्जिस्ट अ फोर्स, इधर एक फोर्स होना चाहिए बेटा जो कि बॉडी के डायरेक्शन को हर पॉइंट पर चेंज करे, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, हर पॉइंट पर इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द दैट पॉइंट, यानी हर पॉइंट पर इधर ये फोर्स एफ वन, इधर एफ टू, इधर एफ थ्री, इधर एफ फोर, और ये चारों फोर्सेस यानी एफ वन इज इक्वल टू F2 is equal to F3 equal to F4 is equal to F, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम रहता है बेटा, और ये टेंजेंट टू द मोशन ऑफ ए बॉडी। तो इसका मतलब सर्कुलर पाथ में हमारे पास एक मोशन होता है, एक फोर्स होता है जिसकी वजह से बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, और आप लोग जानते हो बेटा द फोर्स व्हिच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है उससे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये तो था बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ जो कि हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? तो जैसे हम पढ़ चुके हैं बेटा, हमें पता भी है कि द फोर्स व्हिच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स जो कि बॉडी को मजबूर करती है to compel the body to move in a circular path, to move in a circular path is called centripetal force, yani har wo force jo ki body ko majboor kare beta kis par circular path mein motion par, to us force ko hum kehte hain centripetal force, aur iska mathematical form hai beta f centripetal is equal to minus mv square by r into r unit vector, ye term hame magnitude dega, unit vector hamari mass direction, negative sign jo hai beta the negative साइन शोज द फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। नेगेटिव साइन जो है इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, और इसी बेस पर है हमें से सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं, यानी वो फोर्स जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर हो इज कॉल्ड सेंटर सीकिंग फोर्स आर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सेंटर सीकिंग फोर्स, उसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा हमारे पास। तो हम ये तो सिंपल है बेटा कि वो फोर्स जो कि बॉडी को मजबूर करती है टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा, और याद रखो इस हम ये टर्म भी प्रूफ करेंगे कि माइनस एम वी स्क्वेयर by r square into r vector minus m omega square r into r unit vector। ये तीनों फॉर्म, ये फॉर्म आप पढ़ चुके हो बेटा नाइन्थ में,
उसमें आपने यूनिट वेक्टर नहीं पढ़ा था बेटा, ये फॉर्म भी हम इससे डिराइव करेंगे बेटा, और इससे हम ये फॉर्म भी डिराइव करेंगे बेटा। ये दोनों मोशन जो है बेटा, ये दोनों इक्वेशन जो है, दीज आर इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और ये इक्वेशन जो है बेटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर यूनिट वेक्टर, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विच इज ओमेगा। जी अब बढ़ते हैं टू प्रूव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी पी, यानी ए सेंट्रीपिटल, टू प्रूव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर बाय आर इनटू आर यूनिट वेक्टर, यहां अगर हम प्रूव करना चाहें कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वेयर बाय आर इंटू आर यूनिट वेक्टर, इधर हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज कर सकते हैं। हमने कंसिडर किया बेटा कि कंसिडर वी हैव अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, हमारे पास एक बॉडी है बेटा जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करती है, और उस बॉडी, उस सर्कल का हमारे पास रेडियस जो है वो है आर। अब चूंकि हमें पता है बेटा, हम पढ़ चुके हैं कि सर्कुलर पाथ में बॉडी बगैर फोर्स के मूव नहीं कर सकती, जब तक इस पर एक फोर्स ना हो जो कि उसे मजबूर करे सर्कुलर पाथ में, और उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड बाय न्यूटन सेकंड लॉ वी नो दैट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाइड होगी तो एज अ रिजल्ट इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगी बेटा उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ आते हैं बेटा, तो प्रूफ करते हैं कि एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, या ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय आर, यानी इधर कहते हैं बेटा कि बाय न्यूटन सेकंड लॉ सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू एम ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इस इक्वेशन में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ तो हम कहते हैं कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास एम, consider a body of mass m moving in a circle of radius r, एक बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करती है बेटा, और सर्कुलर पाथ का रेडियस हमारे पास है r। तो कंसिडर द बॉडी इज एट पॉइंट ए एंड आफ्टर सम टाइम इट रीच टू पॉइंट बी। अब हम जानते हैं बेटा कि पॉइंट ए पर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, टेंजेंट टू दैट पॉइंट, और इसको हम कहते हैं बेटा वी वन। लेट से एट पॉइंट ए टाइम इज टी वन एंड वेलोसिटी इज वी वन, एट पॉइंट बी वेलोसिटी विल बी वी टू एंड द टाइम विल बी टी टू। अब अगर हम वी वन और वी टू को एड करना चाहें तो हम क्या करेंगे बेटा, हम पढ़ चुके हैं द सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर, यानी चेंज इन वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं, हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और हम कहते हैं बेटा द सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर ए फ्रॉम बी मीन्स द एडिशन ऑफ माइनस बी टू ए, इन दिस केस हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वी टू इनिशियल वेलोसिटी वी वन, तो चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होगी, चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v2 minus v1, in other words we can say v2 plus minus v1, v2 plus minus v1। अब v1 हमारे पास अपवर्ड है, ये हमारे पास v2, तो minus v1 क्या होगा हमारे पास, this will be minus v1, यानी magnitude सेम और इसकी direction अब change हो जाती है बेटा, तो ये जो हमारे पास है according to head to tail rule this will be equal to delta V, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा V के बराबर, तो ये तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी बेटा। अब अगर हम कहें बेटा कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज वेरी वेरी स्मॉल, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल हो जाए, यानी यही सर्कुलर पाथ हमारे पास, ये बेटा पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट पी, हम कहते हैं बेटा कि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाए, तो होगा क्या बेटा, सच दैट इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वेरी स्मॉल, तो होगा क्या हमारे पास,
देन आर्क ए बी विल बी इक्वल टू कार्ड ए बी। तो आर्क ए बी हमारे पास किसके बराबर हो चुका बेटा, कार्ड। हम जानते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पर अगर हमारे पास कर्व लाइन ले दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कर्व लाइन हो तो हमारे पास आर्क कहलाता है, और अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसे हम कार्ड कहते हैं। तो ए बी हमारे पास कार्ड बन जाएगा, तो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा बेटा, ट्राइंगल ए बी सी। हम आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट लेते हैं बेटा सी, और उधर से हम V1 और V2 रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इधर हमारे पास पॉइंट ए पर वेलोसिटी V1, पॉइंट बी पर वेलोसिटी V2। तो इधर हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम V1, ए प्राइम सी प्राइम V2, और बी प्राइम सी प्राइम ये हमारे पास डेल V, लाइक दिस, ये बेटा। तो ये हमारे पास बी सी। तो अब दो ट्राइंगल हमारे पास बनते हैं बेटा, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम एंड सी प्राइम, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम एंड सी प्राइम। अब बुक में वो कहते हैं बेटा कि ए दीज आर टू ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी को, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम को अगर हम देखें बेटा तो दे आर आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है बेटा, आइसोसेल्स ट्राइंगल। यानी इसी चीज को हम इधर अगर बना दें बेटा नेक्स्ट पेज में, दिस इज अ सर्कुलर पाथ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये हमारे पास सी, और ये इतने स्मॉल हो बेटा कि इनके दरमियान डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन हो, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा। और इसी ट्राइंगल को अगर हम बाहर ड्रॉ करना चाहें बेटा तो हमारे पास इस तरह होगा, दिस ए प्राइम बी प्राइम एंड सी प्राइम। अब ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू वी वन, ए प्राइम सी प्राइम इज इक्वल टू वी टू, बी प्राइम सी प्राइम इज इक्वल टू डेल वी। ए सी हमारे पास आर के इक्वल, और ए बी हमारे पास हमने इसको कॉर्ड लिए, तो लेट से इट्स इक्वल टू एस। हम कहते हैं बेटा ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम आर आइसो सेल्स ट्राइंगल। अब मजीद आगे जाने से पहले हम पढ़ेंगे बेटा कि व्हाट इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो याद रखो बेटा, किसी दो ट्राइंगल को हम आइसोसेल्स ट्राइंगल कह सकते हैं कब, जब इसके कोई से दो साइड्स बराबर हो, व्हेन टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर सेम, देन दीज ट्राइंगल आर कॉल्ड आइसोसेल्स ट्राइंगल। यानी किसी भी कोई सा ट्राइंगल जिसके हमारे पास कोई से दो साइड बराबर हो बेटा, उस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे बेटा, आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो हम कहते हैं ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, ट्राइंगल ए बी सी आर आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये दोनों हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल है बेटा, तो इसी वजह से हम इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर कर सकते हैं। बाय कंपेरिजन ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम एंड ट्राइंगल ए बी सी, तो हमारे पास आर्क ए बी जो कि स्ट्रेट है बेटा, दिस इज अ स्ट्रेट आर्क ए बी, इसमें स्ट्रेट हमारे पास क्या है बेटा, बी प्राइम और सी प्राइम। तो आर के बी इज इक्वल टू बी प्राइम एंड सी प्राइम, और हमारे पास डिवाइडेड बाय ए सी, ए सी किस इस पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी क्या थी बेटा, वी वन। तो इधर हमारे पास वी वन किसके बराबर है, ए प्राइम बी प्राइम, तो डिवाइडेड बाय ए प्राइम एंड बी प्राइम। दोबारा रिपीट करो बेटा ये पॉइंट के, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स ट्राइंगल किसे कहते हैं बेटा, वो ट्राइंगल जिसके कोई से दो साइड सेम हो। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, दोनों के हमारे पास जो जो साइड सेम थे उनको हमने कंपेयर किए, यानी आर्क ए बी जो है वो हमारे पास बराबर है बी प्राइम सी प्राइम। और इधर देखो बेटा ए बी पर हमारे पास वेलोसिटी चेंज होती है, तो इसलिए हमने बी प्राइम सी प्राइम को डेल वी के बराबर लिया बेटा। और ए सी पर हमने लिए बेटा वी वन, आप इधर सी बी पर भी ले सकते हो बेटा, वो वी टू हो जाएगा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए प्राइम और बी प्राइम हमारे पास, तो दोनों को हमने कंपेयर किया बेटा। अब लिखते हैं बेटा आर्क ए बी किसके बराबर है, आर्क ए बी इज इक्वल टू एस
ए सी इज इक्वल टू आर, बी प्राइम सी प्राइम इज इक्वल टू डेल वी, और ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू वी आर वी वन जी, इट्स इक्वल टू वी वन. अब हम कहते हैं बेटा इफ डेल्टा टी व्हिच इज टी टू माइनस टी वन इज वेरी स्मॉल, तो हमारे पास बेसिक इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस जो बेटा एस इज इक्वल टू वी टी, वो हमारे पास बनेगा बेटा एस इज इक्वल टू वी डेल्टा टी, और वी वन इज इक्वल टू वी. इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत ही कम काट, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी, इसलिए हमने वी वन की जगह वी पुट कर दी बेटा. दोनों इन एस इज इक्वल टू वी डेल्टा टी और वी वन इज इक्वल टू वी को हम पुट करते बेटा इधर बेटा, तो ये इक्वेशन हमारे पास, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर ए, तो इक्वेशन ए हमारे पास बन जाएगा एस की जगह वी डेल्टा टी, आर अपनी जगह पर, डेल वी अपनी जगह पर बेटा, और वी वन की जगह वी. अब करते क्या बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सी एम मीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो आर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट वी स्क्वेयर डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल वी इन टू आर. डेल्टा टी को इधर ले आओ बेटा और आर को इधर, तो वी गेट वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी. क्या किया बेटा हमने, सिंपल ट्रिक है बेटा कि हमने आर को राइट साइड पर शिफ्ट कर दिए और डेल्टा टी को आर को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिए, यानी आर हमारे पास इधर डिवीजन में है बेटा और डेल्टा टी हमारे पास इधर डिवीजन में है, तो वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल डेल वी बाय डेल्टा टी. अब बाय डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, वी नो दैट डेल वी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ए, तो हमारे पास बनेगा बेटा ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. अब चूंकि ये सर्कुलर पाथ में बेटा, तो इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर बाय आर इनटू आर यूनिट वेक्टर. द नेगेटिव साइन शोज द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. नेगेटिव साइन का मतलब क्या बेटा, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है बेटा जी. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन माइनस वी स्क्वेयर बाय आर इंटू आर, ये हमारे पास किस वक्त है बेटा, इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये बेटा इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एंड वी नो दैट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. अब अगर इक्वेशन नंबर इस ऊपर वाली इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर स्टार वन, इसमें अगर हम वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट करें, तो वी गेट ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर है तो बेटा, तो आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर इनटू आर यूनिट वेक्टर. अब होगा क्या हमारे पास, क्या बेटा आर स्क्वेयर और आर हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे बेटा, यानी ये आर जो है इस स्क्वेयर के साथ कैंसिल, ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो दिस इज स्टार टू. अब अगर आपको लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करना चाहिए बेटा, तो यू विल यूज इक्वेशन स्टार वन, और अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू, तो यू विल यूज इक्वेशन स्टार टू. ये तो था हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा, हमारे पास इक्वेशन वन जो था बेटा, के अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एम ए सेंट्रीपिटल, इक्वेशन वन जी, तो ए सी पी की वैल्यू हमने मालूम कर दी बेटा. हम कहते हैं यूजिंग वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन इक्वेशन नंबर वन, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पुट करते हैं बेटा यूजिंग ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर बाय आर इनटू आर इन इक्वेशन नंबर
वन। तो इक्वेशन वन हमारे पास था एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एम और वी स्क्वेयर एक ही जगह माइनस वी स्क्वेयर बाय आर इंटू आर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई का बेटा। तो वी गेट एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वेयर बाय आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म इक्वेशन नंबर वन। ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी बेटा। अब मैं आपको बता चुका था कि वी कैन राइट दिस इक्वेशन इज एम वी स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इंटू आर वेक्टर। ये किस तरह, तो हम जानते हैं बाय डिफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करते हैं बेटा तो हमारे पास यूनिट वेक्टर बनता है बेटा, और यूनिट वेक्टर की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो वी गेट माइनस एम वी स्क्वेयर बाय आर आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। जी तो होगा क्या हमारे पास, ये दोनों मल्टीप्लाई जो करेंगे बेटा तो आर स्क्वेयर, तो वी गेट माइनस एम वी स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इंटू आर वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। नाउ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वी नो दैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। यूजिंग इन इक्वेशन टू तो एफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वेयर की जगह आर ओमेगा होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो माइनस एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब होगा क्या मशीन बेटा, आर स्क्वेयर और आर कैंसिल, वी गेट माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर। तो जब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हमने मालूम करना हो इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी तो वी विल यूज इक्वेशन नंबर टू, और इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी तो इक्वेशन नंबर फोर। दोनों इक्वेशन से हम सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम कर सकते हैं बेटा। ये दिस इज आर जी बेटा। तो हम पढ़ चुके हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के मुतल्लिक कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास बराबर होता है एम वी स्क्वेयर बाय आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इंटू आर यूनिट वेक्टर एंड एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। इन तीनों इक्वेशन से हम सेंट्रीपिटल फोर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। दीज आर द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जी अब एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास, तो बेटा द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। The motion of Earth around the Sun. Yani we know that Earth revolves around the Sun in the orbit. This is Sun और ये हमारे पास Earth. तो in this case Earth जो Sun के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है वो किस फोर्स की वजह से रिवॉल्व होती है बेटा, यानी इन दिस केस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। यानी मास ऑफ सन अगर हमारे पास एम एस और ये हमारे पास एम ई, तो इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होता है बाय न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो एम ई मास ऑफ अर्थ, एम एस मास ऑफ सन एंड आर स्क्वेयर हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो इस केस में यानी व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड हमारे पास द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, यानी वी नो दैट न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं बेटा, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिवॉल्व होते हैं, यानी हमारे पास वंस अगेन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व मूव करते हैं। तो इधर भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स
इधर सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह मिलता है बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड न्यूक्लियस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स, कूलम अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद होगी बेटा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एट दैट टाइम द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्स फोर्स प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। थर्ड हमारे पास व्हेन वी मूव, यानी मोशन ऑफ कार इन सर्कुलर पाथ, जब कार सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्कुलर पाथ और ये हमारे पास गाड़ी है बेटा, तो ये गाड़ी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है बेटा, तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलती है गाड़ी को बेटा, तो इन दिस केस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रैक्शनल फोर्स, फ्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द टायर्स ऑफ कार एंड हमारे पास जो सरफेस ऑफ सरफेस बट यानी ग्राउंड, द फ्रैक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द टायर्स ऑफ कार एंड ग्राउंड इन दिस। तो तीसरे केस में, इस केस में हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलती है बेटा, डू टू फ्रैक्शनल फोर्स। और लास्ट में हमारे पास जो आप डेली लाइफ में पढ़ते हो बेटा, कंसिडर दिस इज अ पर्सन और वो एक स्टोन को बांधता है बेटा और वो स्टोन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो इन दिस केस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी इन चारों केस, ये चार मोशन हमने डिस्कस किए बेटा और चारों मोशन में मैंने आपको बताया बेटा कि इनमें सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से, यानी इसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स इज द कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर हमारे पास फ्रैक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ कार एंड सरफेस या ग्राउंड, और इधर हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये चार फोर्सेज जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमें इन चार मोशन में प्रोवाइड करती है बेटा जी। अब आती है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जी बेटा। तो अक्सर औकात आप सुनते आए हो बेटा कि द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो रिमेंबर बेटा, अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं बेटा, लेकिन एक्चुअली जो हमारे पास है, यानी हम कहते हैं द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कंसिडर दिस इज अ सर्कुलर पाथ, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है बेटा, तो इस बॉल और ये हमारे पास एक बॉल है बेटा, तो बॉल पर जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होती है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, और अवे फ्रॉम द सेंटर वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कहते हैं बेटा इट्स द रिएक्शन फोर्स, तो एक्शन और रिएक्शन तो बराबर होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमें पता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, माइनस एम वी स्क्वेयर बाय आर इंटू आर यूनिट वेक्टर, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा बेटा, तो एम वी स्क्वेयर बाय आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। इन दिस केस द पॉजिटिव साइन शोज द फोर्स इज अवे फ्रॉम द सरफेस जी बेटा, ये तो यहां तक आपकी बुक में जो मौजूद है बेटा, लेकिन एक्चुअली याद रखो बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों नहीं बेटा, तो मैं आपको बताता हूं, हम जानते हैं बेटा एक्शन और रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक बॉडी पर अमल पजीर नहीं हो सकते, और इधर आपको क्लियरली दिखाई दे रहे बेटा कि इस केस में एक्शन भी बॉल पर हो रहा है बेटा और रिएक्शन भी बॉल पे हो रहा है,
तो अभी तक इस पर डिबेट जारी है बेटा, फाइनल रिजल्ट पे साइंटिस्ट नहीं पहुंचे कि हम क्या कहें, लेकिन एक्चुअली जो है बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सोडो फोर्स, यानी हमारे पास सोडो फोर्स है। सोडो फोर्स किसे कहते हैं बेटा? वो फोर्स जिसका कोई ऑरिजिन हमें मालूम ना हो। तो आपके लिए मतलब आप यही पढ़ोगे बेटा कि द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन एक्चुअली जो कंडीशंस हैं एक्शन और रिएक्शन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वो चीजें प्रोवाइड नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल दे दूं बेटा, फॉर एग्जांपल अक्सर हम जो एग्जांपल देते हैं, हम कहते हैं बेटा कि हम किसी स्टोन को हाथ स्टोन को तार से बांध देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं बेटा, और उसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो हम कहते हैं हमारा हाथ बॉल पे जो फोर्स लगाता है ये सेंट्रीपिटल है, और बॉल जो हमारे हाथ पर फोर्स लगाता है दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये रिएक्शन है बेटा। बेसिकली ये चीज होती नहीं बेटा, इट्स द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, यानी हमारे पास इनर्शिया ऑफ बॉडी, लेकिन जस्ट समझाने के लिए हम कहते हैं बेटा कि इट्स अ रिएक्शन फोर्स। अब अगर इसी केस को हम इन केस ऑफ कार ले लें बेटा, अब गाड़ी आप चला रहे हो बेटा सर्कुलर पाथ में, तो गाड़ी में हमारे पास सर्कुलर पाथ में हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस केस में कहां पर होगी? तो इसी वजह से अपने साथ नोट कर लो बेटा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन आपके लिए भी आपके लेवल तक हम पढ़ते हैं बेटा कि इट्स द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म एम वी स्क्वायर बाय आर इनटू आर यूनिट वेक्टर, आर एम वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू आर वेक्टर, आर एम ओमेगा स्क्वायर आर इनटू आर यूनिट वेक्टर, तीनों चीज रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा। और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होती है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बेटा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।